ओपी राजभर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका पहले रुख कर लेते हैं। ओपी राजभर जी, सबसे पहले प्रतिक्रिया इस पर एनकाउंटर हुआ और अब इस एनकाउंटर को लेकर सवाल उठ रहे हैं, सियासत शुरू हो गई है। सियासत का सवाल नहीं है, सवाल तीन साल से बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी विकास दुबे को बचा रही थी, जिसका खुलासा आप ही लोगों के चैनल पे बार बार आ रहा है कि एसपी कानपुर चौबेपुर यशो और तमाम विधायक, सरकार के तमाम विधायक और मंत्री उसको बचा रहे थे। जिस तरह का 8 दिन से जो ड्रामा हुआ, वो महाकाल मंदिर उज्जैन में जिस तरह वो दाखिल होता है और दाखिल होने के बाद जिस तरह का रोल वहां अदा करता है, प्राइवेट सिक्योरिटी के साथ वो धीरे धीरे पैदल चल रहा है, आप ही लोग दिखा रहे हैं टीवी पर, और आगे जाकर के फिर वहां के गृह मंत्री का बयान दे चुका, मुख्यमंत्री का बयान दे चुका जा रहा है, और जब कल वो भागना होता तो वो फिर कल का क्यों नहीं वहां हाजिर हो, वहां भाग गया होता, और आज जब पुलिस लेके आई है तो उसको तो बाकायदे बाइज्जत कोर्ट में पेश करना चाहिए था, लेकिन अब वहां उनकी जितनी फोर्स लेकर के आ रही है और वो कैसे भाग रहा है, ये भागने का, ये सरकार अपनी जो कारनामे है, जो कृत्य है, जो उसके साथ सरकार का साठगांठ था, उसका खुलासा होने की डर से इस तरह की घटना हुई है। लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि कई राजनीतिक पार्टियों ने संरक्षण दिया था और उनका शायद पता चल पाता? बिल्कुल 100% इसी वजह से उसका एनकाउंटर किया गया है, अब उसका राज खुलने वाला था, जिस तरह वो बयान उज्जैन में दिया है, उसका सीडीआर जो है उसका सीडीआर खुलासा कर दिया जाए तो सारे तथ्य सामने हो जाएंगे, लेकिन सरकार अब अपने कमजोरी को छुपाने के लिए सारे ड्रामा शुरू कर रही है। लेकिन क्या ये माना जाए कि इस तरह से कुख्यात दुर्दांत अपराधी का इस तरह से एनकाउंटर होना, अब शायद कानून व्यवस्था को लेकर चीजें बदलती हुई नजर आएंगी प्रदेश में? नहीं, कभी नहीं बदल सकती, इस नाते कि 3 साल तक लगातार जिस बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी ने उसी विकास दुबे को संरक्षण दिया, जिसके ऊपर 65 मुकदमे हो, उसको हिस्ट्री सीटर तक नहीं बता पाया, उसके ऊपर गैंगस्टर तक नहीं लगा पाया, तो ये सरकार क्या कानून व्यवस्था ठीक कर पाएगी? 3 साल लगातार उसकी उसका संरक्षण। लेकिन राजभर जी, ये साम्राज्य हाल फिलहाल के सालों में तो स्थापित नहीं किया ना? नहीं, 3 साल तक सरकार ने उसको संरक्षण दिया। सरकार फरीदाबाद से उज्जैन वो कैसे पहुंचा? 2.5 लाख पुलिस उत्तर प्रदेश की है और 2.5 लाख पुलिस की सब उसकी निगरानी कर रही थी, वो किस रास्ते चला गया वहां उज्जैन में? सरकार के ही बीजेपी के लोग उसको पहुंचा रहे हैं, आरएसएस के लोग उसको पहुंचा रहे हैं, जिस तरह गाड़ी पकड़ी जा रही है, जिस तरह लोगों के नाम आ रहे हैं, क्यों पैदल थोड़ा गया था उज्जैन, उज्जैन जो है फरीदाबाद से अभी इतने दिन में। अरे राजभर जी, विकास दुबे को हिस्ट्री शीटर विकास दुबे किससे बनाया, शुरुआत कब से हुई, ये तो आप बखूबी जानते होंगे ना? नहीं, हिस्ट्री शीटर तब बनाया जब वो हत्या किया है, जब वो सामने आया है मामला, तब शुरू हुआ है खेल। और ये सिर्फ एक पार्टी लिप्त नहीं होगी इसमें राजभर जी, ये खुद आप मानते होंगे कि सिर्फ एक पार्टी लिप्त नहीं होगी, हर एक पार्टी ने इसका इस्तेमाल किया है चुनावों के समय में। नहीं नहीं, हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि पिछली सरकार गलती की, आप ये भी सरकार गलती करेगी तो फिर इसमें इस सरकार से उस सरकार से क्या अंतर है? जो वादा किया था ना भ्रष्टाचार ना गुंडा राज, वादा करके आप आए थे पिछली सरकार में गुंडा राज था तो हम नहीं होने देंगे, तो आपने तो ना हटा दिया भ्रष्टाचार और गुंडा राज कायम कर दिया, आपने दिखा दिया कि हम 3-3 साल तक रखवाली किए हैं गुंडों का। और इससे पहले जो एनकाउंटर किए गए यूपी सर है, उसमें बीजेपी सरकार में ही जब इससे पहले एनकाउंटर हुए तो कहा कि गुंडा राज है, तो आज भी अपराधी। नहीं नहीं, इससे पहले जब एनकाउंटर हुए, अपराधियों को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई तो कहा गुंडा राज है, और अब कह रहे हैं कि संरक्षण कैसे दिया, पाला पोसा किसने विकास दुबे को? मैं एक बता रहा हूँ, आजमगढ़ का एक विकास राजभर, उसके ऊपर 151 में जेल जाता है, जेल में उसकी जमानत नहीं हो पाती बेचारे की, कोई आदमी नहीं था, उसको गैंगस्टर लगा करके उसका काउंटर कर दिया गया, लेकिन 65 मुकदमे विकास दुबे के पास है, इन्होंने क्यों नहीं गैंगस्टर लगा के उसका एनकाउंटर किया? आज क्यों उनकी जरूरत इनको पड़ गई? जब वो पुलिस को 8 जवानों को शहीद किया तो हॉस्पिटल में मर गए, 10 तब इनको ज्ञान आया है? आप अकेले बीजेपी को क्यों कोस रहे हैं?
खटास है, माना कि खटास है, लेकिन संरक्षण तो बीएसपी ने भी दिया, एसपी ने भी दिया। तो आप ही कुर्ता पहन लीजिए, कुर्ता पजामा पहन के बीजेपी का संरक्षण तो एसपी ने भी दिया ना, माने खुद जिक्र किया है विकास दुबे की कि वो एसपी में था। और अखिलेश यादव, नहीं राजभर जी सुनिए, राजभर जी, अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं, अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं, आप उठा के देखो पूरे प्रदेश की हालत खराब है, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की हत्या हो रही है, खुलेआम हत्याएं हो रही है, थाने पे मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है, गरीब परेशान है, और ये खाली टीवी और अखबार में चिल्ला रही है सरकार। राजभर जी, राजभर जी जी, जो विकास दुबे की पत्नी है ऋचा दुबे, जिला पंचायत की सदस्य है, और जब वो चुनाव लड़ रही थी तो समर्थन था पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी का, और विकास दुबे की मां ने भी इस बात का जिक्र किया कि वो समाजवादी पार्टी में था। और अब इस बीच अखिलेश यादव का वो ट्वीट आता है, वो कहते हैं कि कार नहीं पलटी, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। देखिए अखिलेश अगर गलती किए तो बीजेपी भी गलती कर रही है कि नहीं कर रही है, उसी रास्ते पर चल रहे हैं ना, 3 साल से उसको बचा रहे हैं। वहां कानपुर का एसपी, अभी आपने ही आपने अपने चैनल पे चलाया कि डीआईजी एसटीएफ का हटाया गया, क्यों हटाया गया, हम आपसे सवाल करते हैं, कानपुर का एसटीएफ अधिकारियों की अगर लापरवाही होगी तो भुगतना तो पड़ेगा। तो आखिरत में इस सरकार में ये सब खेल हो रहा है ना, तो इस सरकार को नहीं कहेंगे हम विपक्ष के जाए, हम सपा बसपा कांग्रेस को कहने आए तो सरकार इनकी है, इनको ना कहा जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं, वो गलती किए ठीक है, वो गलती किए ठीक है, सारी पार्टियां गलती की, लेकिन आप ईमानदारों को आप 3 साल से क्यों बचा रहे हो। रोकना चाहेंगे आपको राजभर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, चलिए आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो शहीद, आपको बता दें कि हमारे साथ दरोगा महेश चंद्र के जो भाई हैं राजेश यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी बहुत बहुत स्वागत आपका। एनकाउंटर में आखिरकार विकास दुबे मार गिराया गया है, सबसे पहले प्रतिक्रिया आपकी, क्योंकि न्याय की गुहार लगातार परिवार की तरफ से थी। सरकार ने बहुत अच्छा किया है, एसटीएफ ने बहुत अच्छा किया, मैं मुख्यमंत्री को बधाई दे रहता हूँ, लेकिन मैम इसमें एक बात है कि इसमें जो अधिकारी और नेता मिले हुए हैं उसका कैसे पता चलेगा। जी बिल्कुल, ये एक तो सवाल है ही, कल भी जिस तरह से उठाए गए थे कि आखिरकार जो लिप्त थे, जो मदद लगातार यहाँ पर कर रहे थे, उनको कैसे पकड़ा जाएगा, लेकिन यूपी पुलिस को लेकर जिस तरह से सवाल उठ रहे थे, क्या अब उनके कार्य से संतुष्ट हैं? हाँ, एसटीएफ ने बहुत अच्छा काम किया, ये बहुत जरूरी था, इसको इसी हादसे में पहुंचाना बहुत जरूरी था, तभी हम लोगों को सुकून मिलता। लेकिन सरकार से क्या अभी कुछ और आपकी मांग, कुछ और दरख्वास्त आपकी? सरकार से मेरी मांग है कि इसमें जितने भी संलिप्त लोग अभी बहुत बचे हुए हैं, इसमें बहुत क्रिमिनल्स हैं, बहुत से अधिकारी हैं, बहुत से नेता हैं, सबका खुलासा और उन्हें सब कुछ सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे अब दोबारा कभी ना हो प्रदेश में ऐसी घटना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजेश यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।